Good morning, students. Yesterday we have completed exercise 5.4 where we were adding and subtracting like fractions. Like fractions means denominators were same. Now here we are adding and subtracting unlike fractions means denominators are different. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है. तो denominators are different. So 3 by 5 plus 7 by 15. जब भी denominators different होते हैं तो we need to take LCM of denominator. Denominator है 5 and 15 है. Now, how to take LCM? 5 and 15 का LCM निकालना है तो 5 ones are 5, 5 threes are 15. 3 ones are 3. So it is LCM. यहाँ पे जो numbers आते हैं उनका multiplication. 5 threes are 15. So 15 LCM है. 15 है तो वो तो as it is रहेगा. जहाँ पे 5 है वहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, उसको हमें 15 में कन्वर्ट करना है. तो 5 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा 3, राइट. सो 5 3 सा तो ऊपर भी हम वही नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 3 3 सा 9, 9 बाय 15. नाउ सो एडिशन में क्या आएगा, 9 प्लस 7 बाई 15 दैट इज 16 बाई 15 इज इक्वल्स टू 16 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सो वी नीड टू कन्वर्ट इट इन टू मिक्सड फ्रैक्शन. 15 वंस आर 15, वन रिमाइंडर 1 बाई 15. नाउ हियर 5 एंड 6 आर डिनोमिनेटर्स, सो LCM ऑफ 5 एंड 6 इज 30. दिस इज गिवन इन मिक्सड फ्रैक्शन, सो फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट इट इन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 4 5 आर 20 प्लस 2 इज 22 एंड 6 3 आर 18 प्लस 5 इज 23. तो जहाँ पे 5 है वहाँ पे हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे 6 है हम वहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 6 आर 30, 22 6 आर 132, 23 5 आर 115. सो एडिशन ऑफ दिस विल गिव 247 बाय 30 विच इज़ इक्वल्स टू, इसको हम फिर से अगेन वी नीड टू डू डिवीजन. जो भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे रिमाइंडर ऊपर एंड डिवाइजर नीचे. Again, LCM of denominators. First step is convert into improper. 5 3s are 15 plus 2 17. 5 1 3s are 15 plus 1 16. LCM is 3 5s are 15. ठीक है, जो जहाँ पे 3 है वहाँ पे हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है वहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे. एडिशन में हम ऐसे ही करेंगे, ऐड कर देंगे, फिर न्यूमरेटर्स को ही सिर्फ ऐड करना रहेगा. नाउ सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में भी हमें न्यूमरेटर को ही सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालने हैं. 7 एंड 4, 7 4 आर 28 इज़ अवर एलसीएम बिकॉज 7 इज़ अ प्राइम नंबर, राइट. एंड 4 इज़ नॉट, 4 में कोई मल्टीपल नहीं होता है 7 का, तो 7 4 आर 28 इज़ अवर एलसीएम. सो जहाँ पे 4 है वहाँ पे हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ पे 7 है वहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों की तरफ. सो 5 4 आर 20 माइनस 7 दैट इज 13 बाई 28. नेक्स्ट में एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 दैट इज 16, राइट. एलसीएम निकालोगे आप 12 और 15 का तो हमें क्या आएगा, 60. ऐसे करके आप एलसीएम निकालोगे, ओके. 12 एंड 15 का, सो दिस इज डिविजिबल बाई 2, सो 2 6 आर एंड 15, अगेन 2 3 आर अगेन देन 15 एज इट इज. नाउ दिस आर डिविजिबल बाई 3, सो 3 1 आर एंड 3 5 आर, 5 1 आर 5, राइट. सो 5 3 आर 15, 15 4 आर 60, 60 इज अवर एलसीएम. जहाँ पे 15 है वहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4. जहाँ पे 12 है, 3 4 ज़ा 12, वहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5. सो 37 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 12 इंटू 5, 31 इंटू 4 डिवाइड बाई 15 इंटू 4. तो जो भी नंबर आता है वो सिर्फ हम माइनस कर देंगे, 185 माइनस 124 डिवाइड बाई 60. तो आंसर आया 185 माइनस 124, मतलब 5 माइनस 4 इज़ 1, 8 माइनस 2 इज 6, 1 माइनस 1 इज 0, सो 61 बाय 60, 1 1 अपॉन 60. ना क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 5 3 1 बाय 2. तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 तो है. इफ एनी नंबर डज नॉट हैव एनी डिनोमिनेटर दैट मीन्स 1 इज ऑलवेज देयर इन डिनोमिनेटर. सो 5 बाई 1
minus 3 1 and 1 by 2. Again, this is mixed fraction convert into improper fraction. 3 2s are 6 plus 1 7 by 2. So now here it is 1 and yahan pe 2. So LCM of 1 and 2 is 2. So jahan 1 hai wahan pe hum 2 multiply kar denge. 5 2s are 10 by 2. 10 minus 2 is 7. 7 by 2, that is 3 by 2 is equals to 3 by 2 is improper. Again converted into mixed fraction. 3 को 2 से divide करोगे, quotient आएगा 1, remainder आएगा 1 and by 2. So जहाँ पे number के नीचे denominator नहीं होता है, वहाँ पे 1 तो होता ही है. यहाँ पे 1 minus 5 by 9 दिया था, 1 upon 1 minus 5 by 9. Keep that in mind, okay? Now simplify the following. यहाँ पे भी हमें LCM ही निकालने हैं. पहले हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे. 3 7 जार 21 प्लस 2 23 बाय 7. 5 1 जार 5 प्लस 3 8 बाय 5 प्लस 10 1 जार 10 प्लस 7 17 बाय 10. नाउ टेक आउट द LCM ऑफ 7 5 एंड 10. तो LCM विल बी 70. ठीक है, अब जहाँ पे 7 है वहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करोगे, जहाँ पे 5 है वहाँ पे हम 14 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 है वहाँ पे हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे. एलसीएम के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे. ठीक है, टू मेक इट एलसीएम, जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे एलसीएम लाना है ना. 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 17 आएगा, ऐसा सोचना है. तो 5 के साथ 14 मल्टीप्लाई करोगे तो 70 आएगा, तो हम 14 मल्टीप्लाई करते हैं. फाइन, सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. 230 माइनस 112 प्लस 119, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर हम माइनस करेंगे. 230 माइनस 112 प्लस 119, जो भी आंसर आता है उसको प्लस करेंगे. पहले इन दोनों को करेंगे माइनस, फिर इसके साथ प्लस कर देंगे, तो आंसर आएगा 237 बाय 70. अगेन इट इज़ इम्प्रॉपर, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा एंड मिक्स्ड में लाना कंपलसरी होता है. ठीक है, सेम वे 7 बाई 5 माइनस 1 बाई 10 प्लस 4 बाई 5. तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 टू जार 10. सो एलसीएम विल बी 10. जो जहाँ पे 5 है वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना रहेगा, 10 के 10 विल रिमेन सेम. 7 टू जार 14 माइनस 1 एंड 4 टू जार 8. यहाँ पे भी 5 है ना, तो यहाँ पे भी हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे. तो 4 टू आर 8, 14 माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 21 बाई 10. 14 माइनस 1 इज 13, 13 प्लस 8 इज 21, सो 21 बाई 10. अगेन इट इज़ न्यूमरेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, सो 21 को 10 से डिवाइड करेंगे, 21 बाई 10. अकॉर्डिंगली इट विल गो. यहाँ पे दोनों ही माइनस है, तो हम पहले में से दोनों को माइनस कर देंगे. ओके, विदा बॉट अ नोटबुक फॉर रुपीज 13 2 बाई 5 एंड इरेजर फॉर रुपीज 1 3 बाई 4 एंड अ पेन फॉर रुपीज 11 2 बाई 3, व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी पेड. टोटल जब पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस एडिशन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों फ्रैक्शंस के एडिशंस. तो यहाँ पे भी सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो वील ऐड दैम आफ्टर टेकिंग एलसीएम. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गिवन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, सो 1 बाई 3, 1 3 बाई 4 का 7 बाई 4, 11 2 बाई 3 का 35 बाई 3 एंड 13 2 बाई 5 का 67 बाई 5. नाउ एलसीएम टोटल अमाउंट क्या है, 67 बाई 5 प्लस 7 बाई 4 प्लस 35 बाई 3, सो एलसीएम ऑफ 5 4 3 इज 60. ठीक है, तो नाउ जहाँ पे 5 है वहाँ पे 4 3 जा 12, जहाँ पे 5 4 जा 20, 20 3 जा 60, सो 4 है वहाँ पे 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई करना है, 3 है वहाँ पे 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, यहीं से हमें आंसर्स मिल जाते हैं क्या मल्टीप्लाई करना है उसका. नाउ सो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई किया तो 67 मल्टीप्लाइड बाई 12, 7 मल्टीप्लाइड बाई 15, 35 मल्टीप्लाइड बाई 20, सो दिस आर द मल्टीप्लीकेशन आंसर. यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया,
मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, ये मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया. सो टोटल विल बी रुपीज 1609/60. अगेन दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्टेड इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लेबरर अर्न्ड रुपीज 152/3 एंड आउट ऑफ दिस मनी ही स्पेंट रुपीज 82/3. हाउ मच मनी इज लेफ्ट. जब भी मनी लेफ्ट का क्वेश्चन होता है तो क्या करना है, टोटल माइनस स्पेंट. ओके, व्हाट शुड बी एडेड टू 73/11 टू गेट 92/7. जब भी टू गेट वाला आंसर आता है तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 92/7 माइनस 73/11. रिक्वायर्ड फ्रैक्शन वाला, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आएगा, शुड बी एडेड वाला जो होता है टू गेट वाला, उस इस तरफ आ जाएगा पहले एंड देन माइनस करके 73/11. टू गेट के बाद यहाँ पे पहले आ जाएगा माइनस 73/11. नाउ द प्रोसेसर इज सेम, मिक्स्ड है तो इम्प्रॉपर में करो. इम्प्रॉपर फाइंड करने के बाद उसका एलसीएम निकालो डिनोमिनेटर का. डिनोमिनेटर का एलसीएम मिल जाए फिर अकॉर्डिंग टू एलसीएम यू नीड टू कन्वर्ट डिनोमिनेटर्स. 7 11 77, जहाँ पे 7 है वहाँ पे 11, जहाँ पे 11 है वहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर दो. ऊपर नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई करने होते हैं. ठीक है,